हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन से इज द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइंड बाय ए पी ओडम बी ए जी टले सी ई हैकल डी ई वार्मिंग क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो टर्म है इकोसिस्टम ये टर्म किसने दिया था हमारे पास फोर ऑप्शन है हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है सो so, इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इको सिस्टम इको सिस्टम क्या होता है पहले ये देखते हैं तो इको सिस्टम होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर जिसमें बायोटिक और ए बायोटिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं अब अगर बात करें इस टर्म की तो इकोसिस्टम टर्म हमें किसने दिया था इट वॉज कॉइंड बाय आर्थर जी Tansley, इन द ईयर 1935. अब इकोसिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इकोसिस्टम होते हैं मेजरली टू टाइप्स के और ये दो टाइप्स के इकोसिस्टम कौन से होते हैं दीज आर इधर नेचुरल इकोसिस्टम या फिर ये हो सकते हैं मैन मेड इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम फर्दर डिवाइडेड हैं टू कैटेगरीज में लैंड इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इको सिस्टम लैंड इको सिस्टम का एक एग्जाम्पल क्या है हमारे पास इट कैन बी डेजर्ट्स और एक्वेटिक का एग्जाम्पल है हमारे पास पॉन्ड मैन मेड इको सिस्टम की अगर बात करें तो दीज आर आर्टिफिशियल इको सिस्टम जिसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास एक्वेरियम तो हमने क्या देखा कि द टर्म इको किसने दिया था हमें इट वॉज गिवन बाय आर्थर जी टैंसली इन द नाइनटीन थर्टी फाइव तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी बाकी के ऑप्शन ऑप्शन ए से ईपी ओडम ने इको सिस्टम टर्म नहीं दिया था ईपी e. ओडम है हमारे फादर ऑफ इकोलॉजी ऑप्शन सी ई हैकल भी रॉन्ग होगा बिकॉज ई हैकल ने कौन सा टर्म दिया था गेव द टर्म इकोलॉजी ना कि इको ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज ई वार्मिंग ने क्या किया था ई e वॉर्मिंग ने प्लांट इकोलॉजी की पहली बुक लिखी थी फर्स्ट बुक सो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन बी आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल द बेस्ट थैंक यू